नमस्कार, मैं सीमा गिल और सभी देशवासियों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की खबर फास्ट परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमने 75 सालों में बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाना बाकी है। इन सबको जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आज आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने ना सिर्फ 1965 में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन 75 सालों को किस तरीके से देखते हैं। उन शख्स का नाम है रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल। आइए जानते हैं उनसे हाल हिंदुस्तान। छहत्तरवीं वर्षगांठ पर हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल। पीके सहगल साहब, आपका स्वागत करते हैं और आपको बधाई देते हैं क्योंकि 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल कि आप 75 साल जो आज़ादी के हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो बहुत ही गरीब था, अनाज भी नहीं था। हम PL 480 के माध्यम से अमेरिका के अनाज से पलते थे। देश में कुछ भी नहीं था। एज अ चाइल्ड व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, जो स्कूल में एक पेंसिल इस्तेमाल करते थे वो भी उसमें भी आता था मेड इन लंडन। शार्पनर्स थे वो भी मेड इन लंडन। रबर भी आता था मेड इन इंग्लैंड, सिवाय स्लेटीज वगैरह के और कुछ नहीं था मिलता। आज हिंदुस्तान हवाई जहाज बना रहा है, हिंदुस्तान मिसाइलें बना रहा है, हिंदुस्तान ने अपना सबसे पहले मार्स के अंदर अपना सेटेलाइट को स्थापित किया। वी वर द फर्स्ट नेशन टू डू इट बिफोर एनीबडी एल्स कुड डू इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इतने कम खर्चे में, जितने खर्चे में एक हॉलीवुड पिक्चर बनती है उतने खर्चे में हमने उसको, अपने जान को मार्स के ऊपर में स्थापित कर दिया। यानी दूसरे लफ्जों में हिंदुस्तान ने बहुत ही उन्नति की है इन दी 75 ईयर्स इन एवरी रिस्पेक्ट। हमारी डेमोक्रेसी मेच्योर हो गई है, हमारे लोग मेच्योर हो गए हैं, उस माफी की भूखमरी नहीं है। आज हिंदुस्तान जो है इतना ज़बरदस्त स्टॉक है कि एक्चुअली इंडिया एट द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम वुड बिकम अ फूड बास्केट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट जापान जो कह रहा है कि हर साल हिंदुस्तान जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग 40,000 करोड़ रुपये का हमारा अनाज हर साल सड़ जाता है। आप हर मानसून में देखते हो, कहा जाता है कि 10,000 टन जो है गेहूँ पानी से खराब होगी, पशुओं के खाने के लायक भी नहीं है। जापान सबसे बड़ा लोन दे रहा है फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन सेटअप करने के लिए, और अगर उसको बचा सकते हो तो एक आपकी कीमतें गिर जाएंगी, बिकॉज 40,000 करोड़ का जो अनाज ज़ाया हो जाता है वो अवेलेबल होगा। सो सप्लाई और डिमांड में ज़्यादा वक्फा नहीं होगा। और दूसरा वो कहते हैं अगर हिंदुस्तान इस नुकसान को बचा सकता है तो इंडिया विल बिकम द फूड सिक्योरिटी हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड।
अच्छा एक सवाल और, क्योंकि देखिए आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने लंबा जो अपना जीवन है वो भारतीय सेना को दिया है, तो भारतीय सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो भारतीय सेना का योगदान 75 सालों की आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले को आप किस तरीके से आंकते हैं एक सेना के तौर पर? देखो अगर हिंदुस्तान का आप इतिहास को गौर से देखें तो आज़ादी से पहले फुल 1000 ईयर्स हम हार और केवल हार का सामना करते रहे। जो भी हमारे लैंड फ्रंटियर से आया हमको पिछाड़ के चला गया, जो भी सिखों से आया हमको पिछाड़ के चला गया। मोहम्मद गजनी था जो गौरी, वो 17 बारी आया, हर बारी कुछ 100 घुड़सवारों के साथ में, लाखों मर्दों का कत्लेआम किया, हमारी महिलाओं को अपनी आयशी के लिए ले गया, हजारों केजी चांदी सोना ले गया। हमारी फौजें कमज़ोर थी और कमज़ोर सेना जो है देश का रक्षा नहीं कर सकती थी। आज़ादी के बाद हमने 5 लड़ाइयाँ लड़ी, 4 पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ। चाइना से जो हम लड़ाई हारे वो फौज की कमज़ोरी की वजह से नहीं थी, वो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ और उनकी गलतियों की वजह से। पाकिस्तान को हमने 4 लड़ाइयों में ऐसी मात दी कि आज तक अपने वूंड्स को लिख कर रहे हैं। 65 में जो बैटल ऑफ असल उत्तर हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लार्जेस्ट टैंक बैटल थी। उस समय पाकिस्तान के पास में दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स थे, पैटन टैंक्स M47 M48। हिंदुस्तान के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विंटेज के स्टुअर्ट्स और शर्मन्स और सेंचुरियन थे, उसके बावजूद भी हमने उनको मात दी। फिर 71 वॉर में 14 ही दिन में हमने एक नया नेशन खड़ा कर दिया और 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जिनके पास 6 महीने का सामान था लड़ाई के लिए, उन्होंने इस हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया। दुनिया के इतिहास में इस माफी का कोई भी एग्जांपल नहीं है, वेयर अ नेशन न्यू नेशन इज बीन क्रिएटेड इन 14 डेज एंड 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया किसी और राज्य में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सबसे लार्जेस्ट सरेंडर था। और उसके बाद में जो हिंदुस्तान ने अपनी करेक्टर दिखाई, इंटेग्रिटी दिखाया, सेंसिटिविटी और कंपेशन दिखाया, उसने भी दुनिया को दंग कर दिया। कोई भी फौज की आर्मी किसी देश की हिफाजत के लिए या उसको इन्वेड करने के लिए जाती है तो बहुत बड़े पैमाने पर लूट मार और बलात्कार करती है। हिंदुस्तान की सेना जो है तकरीबन मार्च के समय, मार्च 71 से लेके लड़ाई दिसंबर 71 में थी, उसके भी 3-4 महीने आगे भी रही बांग्लादेश में, एक भी एलिगेशन नहीं हुई हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ लूट मार या रेप। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, अगर हमारे यहाँ पे भी आप बात कर रहे थे, मुगल राज की बात कर रहे थे, तो हमेशा जब लड़ाइयाँ होती तो लड़ाई के बाद की जो तबाही होती थी या लूट होती थी वो अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करने वाली होती थी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना का एक नायाब उदाहरण एक पेश करती है कि इंसानियत को कभी शर्मसार नहीं होने दिया भारतीय सेना ने, इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे वजह जो है हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ इंसानियत। हिंदुस्तान की सेना साफ तौर पे जानती है कि डिसिप्लिन का मतलब है उच्च करेक्टर, उच्च इंटेग्रिटी। और अगर आपने करेक्टर और इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो वास्तव में आप सिपाही और सैनिक कहलाने के लायक नहीं हो। हमने बांग्लादेश की लड़ाई के अलावा 49 नेशन में पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी हैं। जिस जिस देश में हिंदुस्तान की फौज गई है उस देश में खुशी की लहर उठ जाती है कि ऐसी फौज आ गई है जिनका उदाहरण जो है अद्भुत है। क्या लगता है कि क्योंकि डिसिप्लिन अगर भारतीय फौज में है तो क्या ये डिसिप्लिन आपको लगता है कि जो सिविलियंस हैं, जो भारत के जो आम नागरिक हैं, क्या वहाँ आपको कमी लगती है? क्योंकि यही डिसिप्लिन अगर भारत के बाकी नागरिक में भी आ जाए तो क्या भारत अपने आप में जो हम एक विजन लेके चल रहे हैं कि दुनिया में बेहतरीन सबसे टॉप पर हम जाकर दिखा सकते हैं, तो क्या लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें भारत के आम नागरिक के अंदर आ जाएं? क्योंकि आपको मैंने देखा है कि आप व्यक्तिगत तौर पर सिविलियंस के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, कोई रास्ता आपको नजर आता है? कोई ऐसी पढ़ाई क्या सिविलियंस के पास भी करना बहुत ज़रूरी है? स्कूलों में क्या ऐसी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सकें? देखो सेना में जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो अफसर बनते हैं या सैनिक बनते हैं, सारे के सारे सिविल सोसाइटी से आ रहे हैं। लेकिन आर्मी के अंदर रहने के बाद में हर रीजन, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं है। यही फौजी जो है एक किस्म से माइक्रोकॉजम ऑफ द एंटायर नेशन, जो आपसी भाईचारा, आपसी फेथ, आपसी ट्रस्ट इज अनबिलीवेबल। दुनिया इसको देख के दंग, वो सिविल में नहीं है, क्योंकि सिविल में जो भड़काने वाले हैं और गलत काम कराने वाले हैं वो नेता लोग हैं। फौज में अगर लोग दारू वगैरह भी पीते हैं तो उतनी पियेंगे जिससे
अपना संतुलन न खोए, तो सिविल में अपना संतुलन खो लेते हैं और इसके बावजूद वो तमाम गलत है कि समाज में जो लीडर हैं वो सही मार्गदर्शन नहीं करते, जबकि फौज में जो लीडर होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, वो उनको डिसिप्लिन में रखते हैं। लेकिन एक और बात इस पे, क्योंकि जनरली हम कई बार कहा जाता, देखिए डिवाइड, आप बोल रहे हैं कि यूनाइटेड हैं आप हिंदू मुस्लिम सब नहीं देखते, लेकिन जब आप आम समाज में आते हैं तो सारी चीजें देखते हैं। आप देशभक्ति को किस तरीके से, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, मैं चाहती हूं कि वो आपको सुन के इंस्पायर हो, क्योंकि हमारे लिए ऐसे रोल मॉडल्स बहुत हैं जो दुनिया हिंदुस्तान में ऐसा काम किया जिनको देख के दुनिया हमें अप्रिशिएट करती है। तो आप देशभक्ति को किस तरीके से देखते हैं, क्या देशभक्ति एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होनी चाहिए, आपके नजरिए से मैं जानना चाहती हूँ। देखो, जब आप छोटे थे और जब मैं छोटा था, हमारे स्कूल की जो शिक्षा होती थी उसमें पेट्रियोटिज्म सिखाई जाती थी, फॉर नेशनहुड, वी बिलीव, हमको एथिक्स और वैल्यूज सिखाए जाते थे। आज वो एथिक्स और वैल्यूज नहीं सिखाए जा रहे, कोई पेट्रियोटिक फर्वर ही नहीं है। एक सुबह सुबह जो नेशनल एंथम स्कूल में गा देना डज नॉट ब्रिंग इन पेट्रियोटिज्म। आपको हजारों एग्जांपल देने हैं डे इन डे आउट। वो आजकल राणा प्रताप या अहिल्याबाई या जो थी हिंदुस्तानियों के बारे में बताया जाता था, वो आजकल बताया ही नहीं जाता। आप पहले जब राष्ट्रगान सुनते थे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे, अंदर से सेंसेशन शुरू होती थी बॉडी में, वो फीलिंग्स कहीं ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन है, क्योंकि जो नेशनल एंथम को, जो राष्ट्रगान को जब आप सुनते थे तो वो फीलिंग स्कूल में ही आपको वो आ जाती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो हमारी जो अप्रोच है वो इतनी वाइड हो गई है कि हम अपने देश से बाहर निकल गए और अपने देश को बिल्कुल भूलने लगे हैं। युवाओं को आप, जो मैं बात कर रही हूँ कि युवाओं को आप कैसे देख रहे हैं, क्या कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है या उनको वाकई मार्गदर्शन की जरूरत है? बहुत जबरदस्त मार्गदर्शन की जरूरत है। आज अगर उनको खड़ा होने के लिए नहीं कहो तो लोग बैठे रहेंगे, नेशनल एंथम में खड़े भी नहीं होंगे, बिकॉज यू आर इंस्ट्रक्टेड एंड यू आर टोल्ड कि इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि खड़ा होना है नेशनल एंथम को इज्जत देने के लिए, तो तब खड़े होते, नहीं तो खड़े भी ना हो। बड़ा लाजमी है कि एक तरीके से जो NCC है, गर्ल्स गाइड्स है, स्काउटिंग है, और बड़ी तादाद में ये दी जाए, क्योंकि इनके माध्यम से आप देश प्रेम सिखाते हो, देशभक्ति सिखाते हो, वैल्यू सिखाते हो, एथिक्स सिखाते हो, डिसिप्लिन सिखाते हो, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हो। आज के युवा में टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, देशभक्ति वगैरह की चीज़ है ही नहीं। पर्सनल ग्रैंडिजमेंट, दे वांट टू राइज एंड राइज द फास्टेस्ट बाय यूजिंग ऑल अनफेयर मीन्स। और ये लोग जो होते हैं NCC में जाएंगे, गर्ल्स गाइड में जाएंगे, स्काउटिंग वगैरह में जाएंगे, फौज में जाएंगे, वो इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। वो उनका सबसे बड़ा विचार होता है कि मैं अपने देश को कैसे मजबूती लाऊं, मैं अपने समाज को कैसे मजबूत करूं, मैं अपने आप को कैसे मजबूत करूं, अपने गांव को कैसे मजबूत करूं, एज अगेंस्ट अदर्स जो कहते हैं सेल्फ एग्रेंडिजमेंट, मैं अपने आप को मजबूत कैसे करूं देश भर में जाए। और एक और मैंने बताया था कि फौज में, जैसे मैंने कहा कि कोई पोलिटिकल लीडर्स नहीं है, इसी माफिक हमारे युवाओं को भड़का रहे हैं हमारे अलग अलग प्रकार के रिलीजियस लीडर्स। फौज में रिलीजियस लीडर होता है, लेकिन वो केवल और केवल आपको मोटिवेट करता है कि देश की एकता, देश की अखंडता के लिए अगर आपको जान कुर्बान करनी पड़े तो बिल्कुल संकोच नहीं करना। एज अगेंस्ट जो सिविल सोसाइटी में है, आप देखते हैं वो मुस्लिम लीडर क्या बोल रहा है या क्रिश्चियन क्या बोल रहा है या हिंदू वाला क्या बोल रहा है, हिंदुत्व की बात करते हैं वो, दूसरी बात करते हैं। यही जो भावना की जो मैं बात करूं, देखिए एक तरफ आपका देश प्रेम होता है कि आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो जज्बा जो आपके अंदर पैदा होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी के लिए भी जान की कीमत से बड़ा कुछ नहीं होता, वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए देश के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश की जिनको पड़ी नहीं है, जो सिर्फ अपना भरना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। अभी आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? आपसे मैं देख रही थी कि आपने 15 लाख स्टूडेंट को मेंटर के तौर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट किया, मोटिवेट किया। क्या लगता है कि कहीं एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है कि हम उसको उस तरह के देशभक्त नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि देशभक्त तो सिर्फ सेना में नहीं चाहिए ना, वो समाज में भी होने चाहिए, वो सिस्टम में भी होने चाहिए। सिस्टम इस तरीके से करप्ट है, आप देखिएगा कि अगर आप लोकल बॉडीज में जाएंगे तो आपको काम करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, आप हेल्थ सेक्टर में जाएंगे तो आप बुरी हालत है, कहीं भी जाएंगे सिस्टम आपको दिख जाएगा कि सड़ा हुआ अंदर से है, करप्ट है। क्या लगता है कि कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? हर देश की, हर सोसाइटी की बुनियाद है एजुकेशन। ऑब्वियसली बहुत बड़ी खामियां हैं हमारे एजुकेशन में, जिसकी वजह से इस माफिक बच्चों का करेक्टर नहीं है, बच्चों की इंटेग्रिटी नहीं है, जेंडर सेंसिटिविटी नहीं है, कोई कंपैशन नहीं है, एंड रैट रेस कि मेरे को 100 में से 100 नंबर लेने हैं ताकि मैं अब ये कर सकूँ, बनस्पत स्ट्रेस ऑन वैल्यूज़,
स्ट्रेंथ ऑन डिसिप्लिन, स्ट्रेस ऑन टाइम मैनेजमेंट, सेंस ऑन सेंसिटिविटी, सेंस स्ट्रेस ऑन कंपैशन. अगर आप देखो जो नॉर्मली 100 में से 100 नंबर लेता है आमतौर पर जिंदगी में आगे सक्सेसफुल नहीं होता, दूसरे जो एवरेज होते हैं उससे आगे निकल जाते हैं. ये साफ तौर पे दर्शाता है कि जो रैट रेस है इसको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने स्टार्ट किया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अनाउंस हुई है उसकी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि एजुकेशन उस माफी की दी जाए जैसे जिससे देश जो है मजबूत बने, आप मजबूत बने और आपके साथ में आपका समाज मजबूत बने. ये बहुत, क्योंकि देखिए आप, जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने बताया कि 36,000 टीचर्स को आपने ट्रेन किया है, और क्योंकि जब आपके पास एक सशक्त देश के लिए सशक्त युवा चाहिए, युवा सशक्त तब होंगे जब उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और अच्छी एजुकेशन तब मिलेगी जब उनके पास अच्छे टीचर्स होंगे, उनको लीड करने वाले लोग अच्छे होंगे, ब्रॉड होंगे. आप जो 36,000 लोगों की बात कर रहे थे, आपका अनुभव क्या लगता है कि वाकई टीचर्स को टीच करने की ज़रूरत है? क्या हमारे टीचर उतने सक्षम हैं कि वो अपने बच्चों को उस तरह की एजुकेशन दे सके जिस तरह के से जो नए चैलेंज आ रहे हैं, हम ग्लोबल के दौर में से गुजर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लुएंस जो हमारे युवा हैं वो सिर्फ हमारी एजुकेशन से नहीं हो रहे, उनके पास बहुत सारे रिसोर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, वो चाहे मीडिया के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से हो या तमाम जितने भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से हो, बट दे आर कनेक्टेड विद द दुनिया भर के लोगों के साथ में. तो उसके फायदे भी हैं लेकिन उसके नुकसान भी हैं. तो हमारे अध्यापक क्या वाकई उस लायक हैं या उनको भी ट्रेन करने की ज़रूरत है? क्योंकि नई पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं लेकिन नई पॉलिसी अगर नए हाथों से नहीं जाएगी, अगर आप उन्हीं दिमागों से उस पॉलिसी को अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट शायद उतने अच्छे नहीं होंगे. ये आपका सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देश की आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊँगा. मैं जब 2002 में रिटायर हुआ फौज के अंदर, मैंने 41 साल काटे. 41 साल में से तकरीबन आई से ऑलमोस्ट 25 to 30 years ऐसे इलाकों में थे जो पिछड़े इलाके थे, बैकवर्ड इलाके थे, फॉरवर्ड एरियाज थे. मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भी सही प्रकार की सुविधा नहीं थी. और जब मैं रिटायर होकर दिल्ली में भी सेटल हुआ तो मैंने देखा कि जो हमारे कॉलेजेस के भी बच्चे निकल रहे हैं 80% जो है दे आर अनएम्प्लॉयबल. जो आपकी ट्रेनिंग है वो पूरी थियोरेटिकल है, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते टू सॉल्व अ गिवन सिचुएशन. सो सबसे बड़ी, आपने किसी प्रकार का स्किल नहीं इख्तियार किया जिसके माध्यम से आपको नौकरी मिले. तो इसको लेकर मैंने खुद 8-10 चीफ मिनिस्टर को लिखा कि मैं फौजी हूँ, मैं फौज के समय NDA में भी उस्ताद रहा, मैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में भी उस्ताद रहा, आर्मी वॉर कॉलेज में मैंने 30 देशों के कैप्टन और मेजर्स को ट्रेन किया, और मैं फिर एयर डिफेंस कॉलेज का हेड बना जो सबसे टेक्नोलॉजी से लेस कॉलेज है हिंदुस्तान का. और मैं समझता हूँ कि सही प्रकार की स्किल बेस्ड एजुकेशन की आवश्यकता है, और मैं आपके यहाँ आके ये एजुकेशन मुफ्त में बांटना चाहता हूँ. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे को 4 चीफ मिनिस्टर्स का इमीडिएटली जवाब आया. उस 4 में से 3 लेडीज थी, शीला दीक्षित जो राजस्थान की थी, वसुंधरा राजे, और उस समय मध्य प्रदेश की भी उमा भारती और NDA तिवारी. सो 4 में से 3 लेडीज थी हु रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीचिंग आउट टू द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. फिर मैंने 3,00,000 किलोमीटर देश में चलाऊं, विलेजेस के एरिया, रिमोट एरियाज में, डिकॉयट इन्फेस्टेड एरियाज में, टेरस इन्फेस्टेड एरियाज में शिक्षा को देने के लिए. हमारे गांव, हमारा जो देश है 80% बच्चे हमारे देश के गांव में पढ़ते हैं, इन बैकवर्ड एरियाज में पढ़ते हैं जिनमें सही प्रकार की सुविधाएं है ही नहीं, शिक्षक सही प्रकार के नहीं है. 50% टीचर जो हैं दे आर पॉलिटिकल अपॉइंटीज, उनका अपना चरित्र इतना बेकार है. दे आर सपोज टू बी रोल मॉडल, बच्चा जो है वो अपने टीचर को या माँ बाप को रोल मॉडल समझता है, एंड वन यूज टू शडर टू थिंक दे आर द रोल मॉडल्स. जिनका अपना कैरेक्टर नहीं है, अपनी इंटीग्रिटी नहीं है, बच्चों को क्या सिखाएंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात सहगल साहब कह रहे हैं. ये हमारे लिए रोल मॉडल जो हमारे समाज में हो सकते हैं वो उस तरह के जो चरित्र हैं हम सामने लेके इसलिए आना चाहते हैं ताकि लोग उनसे समझ सके, सीख सके. बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं. महिलाओं की बात की, मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस इसी मुद्दे पर लौटते हैं.
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। जिस तरीके से सहगल साहब से हम लगातार बातचीत कर रहे थे, उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, आर्मी और उनका जो आर्मी में जो उनका एक्सपीरियंस है उसको लेकर के, उसके साथ साथ देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बात करेंगे। आपने जो एक बात कही बीच में कि आपने जो मुख्यमंत्रियों की तरफ से आपको जो आया उसमें से 3 महिलाएं मुख्यमंत्री थी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि महिलाएं मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा गहराई तक समझ सकती हैं, बट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्या आपको लगता है कि महिलाओं को उस तरह की मिली है, चाहे वो आर्मी की बात करें या अभी का जो माहौल है, क्या लग रहा है कि अगले 10 साल महिलाओं के लिए हैं? आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ अगले 10 सालों की कि महिलाओं के लिए बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं। हिंदुस्तान के हर 100 लोगों में से 49 आर वेमेन, और आज अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया देखो तो ओनली 8-10% ऑफ द पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग। बहुत लाजमी है कि इस परसेंटेज को उठा के 20-25% ले जाओ, यानी दूसरे लफ्जों में वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेटिंग वुमेन इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। जब आप लड़की को एजुकेट करते हो तो एक समाज को एजुकेट करते हो। नॉट ओनली डज शी ब्रिंग एड क्वालिटी टू हर ओन फैमिली, लेकिन जिस फैमिली में जाती है उस फैमिली में भी मजबूती लाती है। तो बहुत ही लाजमी है कि लड़कियों की एजुकेशन को बहुत ध्यान दिया जाए, जो नहीं दिया गया उनकी एम्पावरमेंट में ध्यान जाए। फौज की बात कर रहे हैं, फौज में जहाँ जहाँ लेडीज आई हैं उस यूनिट के ऑफिसर्स वगैरह का डिसिप्लिन बहुत इंप्रूव हो गया है। मेस में देयर यूज्ड टू बी वन लेडी ऑफिसर, हर ऑफिसर जो है उसको प्रभावित करना चाहता है, उसका टर्नआउट, उसका डिसिप्लिन, उसका एवरीथिंग इंप्रूव्ड। ये बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे हैं क्योंकि जनरली जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो नेगेटिव लेके जाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट डालते हैं कि आप इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी जो क्वालिटी है सहगल साहब की, आप हर चीज़ में सकारात्मक सोच रखते हैं, आप कहीं भी कुछ भी परिस्थितियाँ हों आपको भरा हुआ गिलास दिखाई देता है, ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बेहतरीन हिस्सा है। और मुझे लगता है कि आज जब हमारे दर्शक जो सहगल साहब को सुन रहे हैं वो इस बात से ज़रूर भावित होंगे कि आपका करेक्टर कैसे बनता है। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बॉर्डर की बात नहीं करना चाहते, मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोग जो इतने क्योंकि जब आर्मी की बात की जाती है तो एक सख्त शख्सियत को हम देखते हैं, लेकिन आप इतने सहज हैं, सरल हैं, मैं चाहती हूँ कि आपका वो रूप भी हमारे दर्शकों तक जाए और देखें कि किस तरीके से आप पावर को इंजॉय करते हुए भी आप सहज रह सकते हैं, क्योंकि आप में घमंड नहीं है, आप दुनिया को देने के लिए आए हैं, तो जब देने की भावना होती है तो आप सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। लेकिन ये सब आता कैसे है, ये अपने आप से आता है या इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है खुद को? बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप से भी आता है और फिर तैयार भी किया जाता है। मैं ऐसे परिवार से को बिलोंग करता हूँ विच वॉज अमंग्स द 10 रिचेस्ट फैमिलीज इन इंडिया पार्टीशन से पहले। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पहले हिंदुस्तानी थे जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, श्री पिंडी दास सहगल। मेरे ग्रैंडफादर पहले हिंदुस्तानी थे जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसर्स थे, और मेरे फादर जो थे वो बहुत ही रईस थे। उनकी सिस्टर जो थी 10 साल की आयु में पूरी दुनिया में घूम चुके थे, और वो एक ही चीज़ में बिलीव करते, इल्म। जब पार्टीशन हुई हम शिमला आए हुए थे अपने मामा जी की शादी पर, पीछे से लूटमार हो गया, सब कुछ कट गया ओवरनाइट। माय फादर हैड वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन, फ्रॉम अ प्रिंस ही बिकेम अ पॉपर। जब अपने कॉम्पेंसेशन लेने के लिए गए तो वापस आ गए कि मैंने कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम नहीं फाइल किया, क्योंकि उन्होंने कहा 1,00,000 लोगों से मेरा क्लेम ज़्यादा था। और मेरे को समय शर्मिंदगी आई कि वो वास्तव में गरीब थे, क्योंकि उनको इलम भी नहीं था। तो इसे दैट्स द टाइम आई रियलाइज कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, कोई पार्टीशन, कोई चोर, कोई डाकू आपका इलम नहीं ले जा सकता। और मेरे पास इलम था तो मैंने इलम के माध्यम से आगे खड़ा उठना है। और उन्होंने कहा बच्चों को मैं आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दूंगा, लेकिन आपके लिए प्रॉपर्टी वगैरह नहीं छोड़ूंगा, पैसा नहीं दूंगा, बट जितना पढ़ना चाहते हो और सारी की सारी जो ग्राउंडिंग है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एथिक्स, कल्चर वगैरह वॉज इम्बाइब्ड इन अस बाय आवर पेरेंट्स। सो पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है उनकी इंटरेक्शन सही तरह, एंड उसके बाद में स्कूल एजुकेशन, ये सारे मिलजुल कर एक इंसान के करेक्टर को बनाते हैं और आपको खड़ा करते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि एक व्यक्ति का जो करेक्टर होता है वो
आपके अपनी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता, बल्कि जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, जिस सर्विस में आप होते हैं, उन सबको वो इम्पैक्ट करता है। और आप जैसी सक्सेस जो सिर्फ अपनी सर्विस में नहीं बल्कि समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण आप हिस्सा हैं, आपने समाज में बहुत सारा काम किया है, मैं जानती हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप सेना में रहे हैं तो आपसे बॉर्डर की बात ना की जाए तो ये अधूरी हो जाएगी पूरी टॉक। आप हम जनरली जब हम डिबेट में बैठे होते हैं, मीडिया के लोग भी जनरली पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि आप किस तरीके से देखते हैं, क्या हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान अपने आप में बड़ी चुनौती है सुरक्षा के मद्देनज़र से, या चाइना, दोनों में से आप किसको ज़्यादा बड़ा चैलेंज मानते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम फौजी साफ तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान एक ब्रदर एनिमी है जिसकी क्षमता और काबिलियत टू डू डैमेज टू इंडिया इज मिनी स्कूल, और वो साफ तौर पे जानता है कि कन्वेंशनली वो हिंदुस्तान के सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो लो कॉस्ट ऑप्शन प्रॉक्सी वॉर कर रहा है जिसमें उसका कम खर्चा और हिंदुस्तान को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है जो टेररिज्म आपके साथ इस्तेमाल कर रहा है, उसको सालाना बजट 30 से 40 करोड़ है, उसको रोकने के लिए चेकमेट करने के लिए हिंदुस्तान जो है तकरीबन 730 करोड़ रुपए एनुअली खर्च कर रहा है। सो यानी दूसरे लफ्जों में बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट है जो पाकिस्तान हमसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, हमने पाकिस्तान को दर्शा दिया हमारी क्षमता आफ्टर द बालाकोट स्ट्राइक एंड द सर्जिकल स्ट्राइक जो उन्हीं के बाद में की। चाइना हमारा असली दुश्मन है, और बड़े अफसोस की बात है कि 75 साल में से 70 साल तक ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हमने चाइना को अपना दुश्मन समझा ही नहीं। ब्यूरोक्रेट्स सरकार को कहते रहे कि चाइना को हम डिप्लोमेटिकली मैनेज कर लेंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, फौजी कहते हैं हमारा बजट बढ़ाइए, ये करिए ये करिए, चाइना विल मैनेज देम डिप्लोमेटिकली। और हमने अपनी तैयारी की केवल पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, जबकि चाइना ने अपनी तैयारी की अमेरिका को मद्देनजर रखते हुए, ग्रेटेस्ट सुपर पावर, और उसके माफिक अपने आप को। विद द रिजल्ट सिमेट्री दैट इज कम इनटू बीइंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज ह्यूज, एंड बहुत समय लगेगा हमको उस गैप को क्लोज करने के लिए। बिल्कुल, देखिए जब बात इंटरनेशनल मुद्दों की, और खासकर जो आपके पड़ोसी देश होते हैं, तो उनके लिए आपको एक तो इमीडिएट प्लानिंग करनी होती है, कुछ लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग करनी होती है। आप जैसे कह रहे हैं कि चाइना ने जो अपने टारगेट लेके अमेरिका को किया, हम लोग रहे, लेकिन इसमें कमी आपको क्या लगता है? आप क्योंकि बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने मिसलीड किया, क्या लगता है कि देश की लीडरशिप मिसलीड हो गई? आपको लगता है कि लीडरशिप को भी ज़्यादा सशक्त होने की जरूरत है, ज़्यादा अप्रोच वाइड करने की जरूरत है, नॉलेज लेने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से अगर हमारी जो लीडरशिप है उसको अगर कोई भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी, अगर उसको मिसलीड करना चाहे तो वो ना हो, क्या उस तरह का जो देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी तक के तमाम जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनमें से क्या कुछ ऐसा हुआ है कि हमने गलत सिलेक्शन हुआ है कि हम उस तरीके से नहीं समझ पाए? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक पार्ट है, लेकिन दूसरी तरफ लीडरशिप है देश की जो सरकार चलाती है, वो तमाम लीडर उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर होता है खासकर जैसे अभी हमारे राजनाथ जी हैं, उन सबको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपके कोई आइडियल ऐसे रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर जो वाकई जिन्होंने देश को अच्छे से लीड किया, डिफेंस को अच्छे से लीड किया हो, जो ब्यूरोक्रेसी के बहकावे में ना आए हों? बहुत कम डिफेंस मिनिस्टर्स है जो ब्यूरोक्रेसी के बकावे में नहीं आए। राजनाथ इज वन सच एग्जांपल, जो हैवी वेट है। इससे पहले वाई बी चौहान थे जो हैवी वेट थे, फिर वो थे, ही वाज अ वेरी गुड डिफेंस मिनिस्टर। फिर शरद पवार भी रहे डिफेंस मिनिस्टर। ये सारे अच्छे डिफेंस मिनिस्टर थे जो डिफेंस के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी को कुछ हद तक टैकल किया। पूरी दुनिया में जो फौज होती है, फौज इज रिस्पॉन्सिबल टू द पोलिटिकल डिस्पेंसेशन। हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने फौज की तरफ इंटरेस्ट नहीं लिया, एंड दे लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ द आर्मी आर्म फोर्सेज टू द ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी जो कहती है लकीर के फकीर की तरफ, फौजी डिफेंस मिनिस्टर भी वैसे कहते रहे। मोदी की अगर पहली टर्म देखो तो पहले ये मोदी पे मैं आना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत अभी जो बात करते हैं मैं यही जानना चाह रही हूँ आपसे कि अभी की जो सरकार है मोदी सरकार, उसको आप किस तरीके से देखें, उनकी जो डिफेंस की जो नीति है क्या वो कारगर है, या उनमें भी कुछ और आपको लगता है कि कुछ और गुंजाइश है उसको अच्छा किया जा सकता है, या आपको लगता है कि अभी जो मोदी की नीति है वो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई विल डिवाइड मोदी टर्म इनटू टू टर्म्स। जो उनकी पहले टर्म में थे, डिफेंस को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। जो डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए पहले अरुण जेटली, उनका लॉयर थे, उनका असली दिल दिमाग ध्यान जो था या तो लॉ में था या फाइनेंस में थे, उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया। डिफेंस के लिए 25 से 30% टाइम ही देते थे, वास्तव में उन्होंने डिफेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया।
उसके बाद पारिकर जी आए, पारिकर ने बहुत इंटरेस्ट लिया डिफेंस की तरफ, लेकिन उनकी टेन्योर भी छोटी थी, बेसिकली वो गोवा को नहीं भूल सके और बार बार गोवा जाते थे। उसके बाद सबसे बदतर डिफेंस मिनिस्टर बनी सीतारमन, हु डिडंट अंडरस्टैंड इवन ABCD ऑफ डिफेंस। फिर उसके बाद अगर आप देखो जितने डिफेंस सेक्रेटरीज अपॉइंट किए हैं, डिफेंस सेक्रेटरी के बनने से पहले कल कोल सेक्रेटरी थे, फलानी में लेबर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे, डिफेंस के ABCD भी नहीं जानते। ब्यूरोक्रेसी जो आपके डिसीजन लेते हैं कुछ नहीं समझती। विद द रिजल्ट टुडे, इवन आज की हम अपने आप को नेट सेंट्रिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सेंट्रिक और लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम्स वगैरह के से फ्यूचर वॉर के लिए तैयार करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारी फौज को वहाँ पहुँचने नहीं दे रही, क्योंकि उनकी बड़ी लिमिटेशन है, दे डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप देखो आज तक हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। हर साल जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री सपोज टू गिव आउट इंस्ट्रक्शंस टू द आर्म फोर्सेस कि उनकी विजुलाइजेशन क्या है, व्हाट इज द थ्रेट, नेचर ऑफ थ्रेट टू द नेशन। वो नेचर ऑफ थ्रेट को निगाह में रखते हुए आप डिसाइड करते हो किस तरह की डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है फौज में, फ्यूचर इंडक्शन क्या करनी है। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो आपको पेपर नहीं जारी किया। मैं खुद परस्पेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट में था, हम आर्मी नेवी और एयरफोर्स अपना थ्रेट एनालिसिस भेजते थे, गवर्नमेंट से वही वापस आ जाता था विद द चेंज ऑफ लेटर हेड। सेम थिंग, चेंज ऑफ लेटर हेड एंड चेंज ऑफ सिग्नेटरी इज गिवन बैक टू यू। सरकार के लेवल पे जो एक नीति थी, सरकार के लेवल एक रूपरेखा होनी चाहिए, वो कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। सिमिलरली आपके डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, जब सियाचिन में अगर देखो, सियाचिन में जब शुरू में गए, दुनिया का सबसे कठिन इलाका है वो, वहाँ पे जो जिंदा रहने के लिए, सो दैट यू कैन फर्स्ट सर्वाइव एंड देन डिलीवर सर्वाइव फाइट, वो जो चीज़ें सर्वाइवल के लिए थी वो भी नहीं दी गई। जब वहाँ से 100 स्कूटर ये कुछ चीज़ें मांगी गई तो ब्यूरोक्रेसी इसको डिनाई करते रहे। एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर बने जिन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ भेजा सियाचिन में कि आप जाइए 3 दिन सियाचिन में जाके रहिए, अनलेस यू सी द कंडीशंस ऑफ दिस, किस माफी की कंडीशन, यू कॉन्ट टेक द राइट डिसीजन। और उसके बावजूद कुछ हद तक वो जागे, लेकिन फिर भी नहीं जागे। हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी जो है 10 साल या 20 साल लग जाते हैं प्रोक्योर करने के लिए। सिमिलरली आपके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, 41 फैक्ट्रीज हैं आपकी, 100% डिपेंडेंसी बाहरी सोर्सेज पर ही है। आपका असला भी सही नहीं मिलता, जो मिलता है आपकी टैंक बैरल्स, आपकी गन बैरल्स, आपकी एयर डिफेंस गन्स की बैरल्स एक से फटती हैं, जवानों का मोरल डाउन होता है, जवानों को इंजरीज होती हैं। अभी कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं, अभी प्राइवेटाइजेशन को किए ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत डिफेंस में किक ऑफ थे। वो जो डिफेंस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो वो लोगों की तरफ से, एक मैं मीटिंग में गई थी तो वहाँ पर ऐसा बोला गया था कि हम लोग डिफेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, दुनिया भर के जो देश हैं वो हमसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, लेकिन हम अपने यहाँ पे जब बात आती है तो हम टेंडर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो पैरामीटर सेट किए जाते हैं कि अंडर कुछ जो बाहर के जो सप्लायर्स हैं वो अपनी सेटिंग साठगांठ कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि डिफेंस में जिस तरीके से मतलब ब्रॉड लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर कोई देश सुरक्षित नहीं होगा तो फिर हम सुरक्षित नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि देश की जो लीडरशिप है अभी तक की, तमाम लीडरशिप की, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करी, किसी एक नेता की बात नहीं करी, अभी तक की जो तमाम लीडरशिप है उसमें जो देश की जिस सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनकी नीतियां उस तरीके की नहीं है, उनकी दूरदृष्टिता उस तरीके की नहीं है जिस पर काम करना चाहिए? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। सिर्फ इंदिरा गांधी के समय थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था, राजीव गांधी जब आए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके बाद आप देखो 1984 के बाद में, 88 के बाद में कोई नई गन नहीं आई, देयर वाज नो मॉडर्नाइजेशन एट ऑल। मोदी के फर्स्ट टर्म में जो था और अभी तक जो डिफेंस बजट है, इट्स एज वीक एज द डिफेंस बजट ऑफ 1950। आपका जो पड़ोसी देश है उसका डिफेंस बजट आपसे 4 गुना 4.5 गुना आगे है। क्वालिटेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन रहा है, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन रहा है। हमारा इतिहास साफ तौर पर दर्शाता है कि अगर टेक्नोलॉजी में कमज़ोर हो गए तो मार खा जाओगे। अगर आप याद रखोगे, बाबर जब आया था तो नई टेक्नोलॉजी लेके आया, गन लेके आया था, बारूद लेके आया था। उसकी जब इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई हुई तो 10,000 सैनिक बाबर के पास थे, इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 थे, 10:1 हमारे फेवर में थी। उसके बाद हमारी हार हुई बिकॉज वो बारूद लेके आया था। बाबर वर्सेज राणा सांगा 10,000 to 80,000, हम हारे बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी हैड कम। इसलिए अपना इतिहास आपको बताता है कि आपको टेक्नोलॉजी में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं होने देना।
लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स में बिल्कुल नहीं है। अब ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। टेक्नोलॉजी आजकल हम जिस युग में हैं, हमको इंटरनेशनली लड़ाई जो है वो बॉर्डर की लड़ाई कम होगी, टेक्नोलॉजी की लड़ाई आजकल ज्यादा है। अभी पेगासस का मुद्दा रिसेंट है, पार्लियामेंट में भी उठा और विपक्ष की तरफ से हर बार हंगामा किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये कह के कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पेगासस क्या वाकई देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है? जहाँ तक पेगासस का ताल्लुक है, इट्स अ पॉलिटिकल इशू, लेकिन मेरे मुताबिक देश की सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ। इन अ डेमोक्रेसी यू हैव अ राइट ऑफ डिसेंट, द राइट ऑफ डिसेंट को कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया हैज अ राइट टू टेल पीपल व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। बहुत सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ भी उनके टेलीफोन भी हैं। सिमिलरली जुडिशरी के हैं, अपोजिशन पार्टीज के हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि सही नहीं है। लेकिन इस पार्टी के अलावा तमाम पार्टी जो पिछली भी हैं इसी माफी करती रही है। आपको याद होगा कि जब पिछली सरकार थी कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने मोदी के ऊपर फलाने के ऊपर देश का आईबी था, देश की रॉ थी, जितनी भी इंटेलिजेंस थी सारी कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि देवर ऑल लुकिंग आफ्टर द पोलिटिकल ओपोनेंट्स रात दिन देश की सुरक्षा की तरफ। मोदी के आने के बाद में बहुत चीज़ें बदली हुई हैं। जैसे ही वो आए, पहले उन्होंने कहा कि आइदर डिलीवर और डिसअपीयर। मतलब मोदी सरकार में कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं। उन्होंने पहले आते ही डीआरडीओ के जो टॉप लीडर्स थे उनको सेक किया, कहा कि इफ यू कैन नॉट डिलीवर देन डिसअपीयर, वी डोंट नीड यू। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइजेशन किया, लोगों ने कहा कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। उससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पास किया जिसने साफ तौर पर कहा जो देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई चीजें उनमें आप स्ट्राइक नहीं जा सकते। उसके बाद कॉर्पोरेटाइजेशन किया। अभी जिस माफी की नई चीज़ें हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आ रही हैं, पिछले दो सालों में जो डील साइन की हैं, उस माफी की डील्स पिछले 50 साल में नहीं हुई। इनफैक्ट मोर देन ₹4 ट्रिलियन के सामान आपके पास आ रहा है। उसकी वजह से वास्तव में आज हिंदुस्तान की नेवी जो है स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से लेके हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक सी कंट्रोल, सी डोमिनेट कर सकती है। चीन डरा हुआ है, चीन हमारी एयरफोर्स से डरा हुआ है। एयरफोर्स के आपने ऐसे फोर्स में मल्टीप्लायर से लेस कर रहे हो कि कम क्वांटिटेटिवली कम हो लेकिन क्वालिटेटिवली आप बड़े सुपीरियर हो गए, चीन आपसे डरा हुआ है। मतलब आपके पास एक हथियार है, चाहे वो एयरफोर्स की बात करें या कि आप चाइना से लड़ सकते हैं। चाइना, हम हिंदुस्तानियों को, आम हिंदुस्तानी को डरने की जरूरत नहीं। भारत की जो फौज है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, वो इतनी सशक्त है कि वो मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो चाइना हो। आर्मी का तल्लुक गलवान से साफ तौर पर चाइना को पता लग गया कि नेथे जवानों के ऊपर उन्होंने अचानक हमला किया, कम से कम 500 जवानों के माध्यम से पत्थर फेंके, डंडे से मारा, जिनके ऊपर कांटे लगे हुए थे मिडिवल टाइम्स के। उसके बावजूद जवाबी कार्रवाई में 46 लोगों की लाशें तो हमने उनको खुद अलाउ किया। उन्होंने हमसे इजाज़त ली कि हेलीकॉप्टर्स लाए जाएं क्योंकि हम हेलीकॉप्टर बर्बाद कर सकते थे ऑन ह्यूमन एंगल, और 46 लाशें तो हमारे सामने लेके गए। अमेरिकन ने सैटेलाइट्स में दिखाया कि 106 कब्रें उन्होंने वहाँ बनाई हैं गलवान के उस तरफ, लेकिन चाइना आज तक कहता है कि उनके चार ही लोग मरे और एक ऑफिसर घायल हुआ। लेकिन वास्तव में चाइना को साफ तौर पर नजर आ गया कि इंटेलेक्चुअली, मॉरली, फिजिकली, प्रोफेशनली दे आर नो मैच टू द इंडियन आर्मी। हम चाइना के खिलाफ जो है 2.25 लाख फौज है, 80% इलाकों में हम डोमिनेट करते हैं। लेकिन हमारी बहुत बड़ी कमजोरी थी कि हमारी फौज को रिपोस्ट कैपेबिलिटी, अटैक कैपेबिलिटी नहीं थी। वी हैड ओनली अ डिफेंसिव मेंटेलिटी। अभी 2 स्ट्राइक कोर कर दिए हैं, एक 17 कोर ईस्ट में और एक मथुरा का जो 1 कोर है जो पाकिस्तान के साथ था, वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्राइक कोर्स, उसको भी आपने लद्दाख में भेज दिया और हिमाचल उत्तराखंड में, जिससे आपको काबिलियत मिल गई कि अगर कल चाइना कुछ करता है तो हम भी चाइना को बहुत बड़े पैमाने पर एम्बेरस कर सकते हैं बाई कैप्चरिंग लार्ज एरियाज। इंडियन आर्मी टूडे हैज़ द कैपेसिटी ऑफ कैप्चरिंग ह्यूज एरियाज इन चाइना, बट हम साफ तौर पर उनको कह रहे हैं हम इस माफी का काम नहीं करना चाहते, वी आर पीस लिविंग नेशन, बट अगर हमको प्रोवोक किया तो ये क्षमता हमारे में है। उससे डरे हुए आप देखो हर दिन वो नए एयरफील्ड बना रहे हैं, नहीं करते, लेकिन अगर आपने छेड़ दिया तो फिर हम छिड़ जाते हैं। चाइना इतना घबराया है, वो आए दिन नए एयरफील्ड बना रहा है, नए बंकर बना रहा है, नए मिसाइल यूनिट्स ला रहा है, नए S-400 यूनिट्स ला रहा है, एयर डिफेंस यूनिट्स ला रहा है, सब कुछ हिंदुस्तान को चेकमेट करने के लिए। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दर्शा दिया कि वो पेपर टाइगर है। चाइना ने 79 वियतनाम के वॉर के बाद में कोई लड़ाई नहीं लड़ी और वो हिंदुस्तान के सैनिकों के सामने टिक नहीं सकते।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जो दर्शक हम सुन रहे हैं सहगल साहब को, इस बात से हम लोग को खुश हो सकते हैं कि हम मजबूत हाथों की में है, हमारी सुरक्षा ऐसे जवानों के हाथों में है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, कि वो हमें हर तरीके से हमारे जो बॉर्डर पे जो हमारे जो दुश्मन देश, तो हम नहीं, क्योंकि हम पड़ोसियों को हमेशा अच्छी नज़र से देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोस अच्छा बने, लेकिन फिर भी जो हमें जो चैलेंज है पड़ोस पर, उनसे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी सुरक्षा मजबूत हाथों में है और जिनके पास विजन है। एक और सवाल, क्योंकि जब हम बॉर्डर की बात करते हैं और कश्मीर की बात ना हो तो मुझे लगता है ये बात बहुत अधूरी रह जाएगी। धारा 370 हटा दी गई, 2 साल हो गए हैं कंप्लीट, मोदी के इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका फायदा कश्मीर में शांति के लिए होगा? क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को वहां पर बरगलाया जा रहा था, आतंकवाद के अंदर धकेला जा रहा था, उसको आप किस तरीके से, क्या उसका इम्पैक्ट सकारात्मक कश्मीर पर पड़े हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक नहीं है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद में कश्मीर में हालात जो है बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। अगर आप देखो, उससे पहले आए दिन स्कूल जलते थे, आए दिन फौजियों के ऊपर अटैक होते थे, ग्रेनेड फेंके जाते थे, पेट्रोल बम फेंके जाते, बैंक को लूटा जाता था, हजारों की तादाद में पत्थरबाजी होती थी। जब कोई टेररिस्ट मारा जाता था तो उसके जनाजे में हजारों तादाद में लोग, क्या आम कश्मीरी को इसका फायदा होगा? आम कश्मीरी को बड़ा बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी बदौलत कश्मीर पीछे था, वो अभी भी इस बात को स्वीकार करने के से इनकार कर रहे हैं। जैसे कि वो अब्दुल्ला की से अभी गफ्तार पार्टी के जिस तमाम जो नेता है वो मोदी जी से, नबीका कुमार के साथ जो उमर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू दी, उसमें साफ तौर पर कहा कि किसी प्रकार से कोई उन्नति किसी प्रकार की नहीं हुई। लेकिन वास्तव में मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े पैमाने पर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि अगर आप में वास्तव में दम है तो कश्मीर के उन इलाकों में जाइए, बच्चों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के साथ जो आज वहाँ फंसते जाने के भी डरते हैं, शोपियाँ, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग। मैं 3 साल लगातार वहाँ गया और हर साल मैंने 30 से 40 हज़ार कश्मीरी युवकों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। उस समय भी मेरे को उन्होंने बोला, वहाँ के लोगों ने, हम आज़ादी नहीं चाहते, जिस माफी की आज़ादी हिंदुस्तान में, इस माफी की आज़ादी तो दुनिया में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। बोलते हैं हमको पैसा दिया जाता है इनको करने के लिए। आप कश्मीर के अंदर जाते हैं, कश्मीरी आम कश्मीरी से मिलते हैं तो आपको वो रूहानियत दिखाई देती है, लेकिन आपकी नज़र वैसी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कश्मीर की जब बात होती है तो हम सबको कश्मीर में जाके देखना चाहिए। एक सवाल मैं अपने से रिलेटेड ले लेती हूँ, क्योंकि हम मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है जब देश की सुरक्षा की बात आती है। आप किस तरीके से देखते हैं कि भारत का जो मीडिया है वो इतना परिपक्व है कि भारत के इंटरनेशनल मुद्दे हों या हमारे पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको जो उठाता है, क्या उनमें उतनी परिपक्वता है या कहीं कोई और सुधार की ज़रूरत है? मैं आपसे चाहती हूँ आप इस पर खुल कर दें, क्योंकि हम सुधार में की अगर ज़रूरत है तो हम सुधारने के लिए तैयार हैं। आज के माहौल में मीडिया, खास करके सोशल मीडिया जो है, बहुत ही पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर है। मीडिया के माध्यम से आप स्टोरीज को प्लांट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, डिसेप्शन और रूज को प्लांट कर सकते हो। हमारा मीडिया जो है बहुत बड़ा देश का कई बार नुकसान करता है, कई बार फायदे करते हैं। सो मीडिया हैज़ टू बी फार मोर केयरफुल इन प्रोजेक्टिंग व्हाट इट नीड्स टू प्रोजेक्ट एंड नॉट प्रोजेक्टिंग व्हाट मस्ट नॉट बी प्रोजेक्टेड। इसमें मीडिया में बहुत खामियां हैं, हमको दूसरे मीडिया से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपका मीडिया जो है इट कैन बी यूज्ड एंड मिसयूज्ड बाय द एडवर्सरी। पाकिस्तान हमारे ही मीडिया के माध्यम से हमारे ऊपर हमले करता है, स्टोरीज को प्लांट करके कि कश्मीर में हिंदुस्तान के सैनिक जो है बलात्कार कर रहे हैं, हिंदुस्तान के सैनिक ये कर रहे हैं, और आपका मीडिया ये स्टोरीज उछालता है बजाय पहले इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये सच है या नहीं सच है। अपना हिंदुस्तान का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो दुनिया की ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दे बी डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू द आर्म फोर्सेस। जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि 99% जो इल्ज़ाम थे गलत निकले। जब ये गलत निकलते हैं तो उसको उछाला जाए बड़े पैमाने पर। फिर आपको याद होगा कुछ साल पहले जो कश्मीर में एक टेररिस्ट को पकड़ के जीप के आगे बिठाया था, हैड दैट ऑफिसर नॉट डन दैट, उसके नीचे जो कमांड थे सैनिक सारे मारे जाते, उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी नहीं थी। फिर उसके पास जो आर्म्स, एमुनेशन और वेपन्स थे वो उन लोगों के हाथ में चले जाते जो देश के विरोधी हैं, जो देश के दुश्मन हैं। ऐसे में उसने जो किया ब्लैकमेल, वो वास्तव में आई एग्री, जब उसने किया
इट वॉज एन इंस्टेंट रिएक्शन. आमतौर पर फौजी ऐसा नहीं करता कि उसको जीप पे बंद दिया. इट वॉज एन इंस्टेंट रिएक्शन टू सेव हिज ओन कमांड एंड टू सेव द पीपल देयर. लोगों के हित के लिए उसने किया, अपने कमांड के हित के लिए किया, देश के हित के लिए किया. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी हम जब मीडिया के लोग भी कई बार तस्वीर एक तरफ की देख लेते हैं, दूसरी तरफ की भी हमको देखनी चाहिए. हमारा काम ये होता है कि हमको खबर को जब तक पूरी तरीके से छानबीन करके, और कभी कभी मुझे ऐसे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि कई बार देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे में आपको खबर कई बार रोकनी भी पड़ती है. कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके खामियाजे हमको भुगतने पड़े. तो हम सबको ज़रूरत है अपने को बेहतर बनाने की, क्योंकि आज़ादी का जश्न मनाने की बात नहीं होती. उस दिन हम ये तय करें कि हमने अब तक क्या किया है और आगे अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के तमाम नागरिकों के लिए, देश की इस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए आगे क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. उस सब में हम सबकी भागीदारी है, चाहे वो सेना हो, मीडिया हो या आम आदमी हो. मैं आपसे चाहती हूँ, क्योंकि एक बेहद खूबसूरत टॉक आपके साथ ये हुआ है, मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जहाँ से वो एक अच्छे नागरिक बन के निकले आपके उस मैसेज के बाद में, वो भले सेना ज्वाइन करें या किसी भी एरिया में जाकर वो काम करें, लेकिन एक वो बेहतर नागरिक हों अपने देश के लिए, देशभक्ति से सराबोर हों, ऐसा कोई मैसेज मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए. देखो, सबसे बड़ी हमारी जो सेना है, 75 साल में उन्होंने देश की एकता, देश की अखंडता, देश की अबरू, देश की छवि को आँच नहीं आने दी. इसलिए बड़ा लाजमी है कि सारा देश एकजुट होकर अपनी सेना को सपोर्ट करे. हमारे हर रोज सैनिक जो है मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, कारगिल में मारे गए, लेकिन उसके बाद में फर्स्ट 7 to 10 days बहुत लिप सर्विस होती है पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, नागरिकों की तरफ से, लेकिन अगर उनके परिवारों को जाके मिलो तो उनको आज भी वो सुविधाएं नहीं दी गई जो प्रॉमिस किया गया. कारगिल के समय उन विधवाओं को कहा था आपको घर दिया जाएगा, उसमें भी स्कैम हो गया. बॉम्बे में उनको कुछ नहीं मिला, उनको बोला आपको गैस एजेंसी दी जाएगी, उनको पेट्रोल पंप दिए जाएंगे, आज तक कुछ नहीं मिला. किसी को कहा कि जब तक आपके बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, कुछ नहीं हुआ. दिस इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली डीमोटिवेटिंग. हमने यकीन करना है जिसने अपने जान की बाजी लगाई है देश की एकता, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए, अगर वो कल लड़ाई में चला जाता है तो उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए देश एकजुट होकर वो तमाम चीज़ें करे जिसकी आवश्यकता है. दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं फौज में गया था वे बैक इन 1961, मेरे बड़े भाई फौज में गए थे वे बैक इन 1956, उस समय देश के सबसे बेहतरीन जो बच्चे थे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में नहीं जाते थे, उस डिफेंस सर्विसेज में जाते थे. देश की हर परिवार की कोशिश होती है कि उनकी बिटिया की शादी फौज में हो. आज जो फौज में आ रहे हैं, वी वांट पीपल विद द हाईएस्ट क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेड एंड हार्ट फौज में नहीं आ रहे. कौन आ रहे हैं? जब वो सारी तरफ अपना ट्राई कर लेते हैं आईएएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, कहीं सक्सेसफुल नहीं होते कि चलो फौज में चले जाए. दिस इज समथिंग दैट इवेंचुअली विल कॉस्ट द नेशन अ ह्यूज ड्रीम. हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान उभर के एक विश्व पावर के रूप में उभरे, लेकिन जब तक सही प्रकार के ऑफिसर्स विद द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेड हार्ट फौज में नहीं आए, आप उस ड्रीम को रियलाइज नहीं कर पाओगे. हमारे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, पॉलिटिकल लीडरशिप की लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से फौज की इमेज को, फौज के स्टेटस को बहुत बड़े पैमाने पर गिराया गया है. उस इमेज को और स्टेटस को उछालने की आवश्यकता है. इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल कि उसको वहीं ले जाया जाए जहाँ पे पहले था. मैं एक और बड़ी बात जो है आपसे सामने रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान केवल एक ऐसा देश है जिसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई पॉलिटिशियन, कोई MP और MLA के बेटे जो हैं आज तक फौज में नहीं गए, जबकि बाकी देशों के, अगर यूके के देखो तो रॉयल फैमिली जो है, प्रिंस चार्ल्स भी लड़ाई में लड़े फॉकलैंड में, उनके छोटे भाई भी फॉकलैंड में लड़े, अभी जो दो प्रिंस चार्ल्स के बेटे हैं दोनों ही इराक में और अफगानिस्तान में लड़े जहाँ उनकी डेथ भी हो सकती थी, लेकिन दे ऑलवेज बिलीव इन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दे ऑलवेज बिकम पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेज. इसी माफिक इसराइल में, इसी माफिक अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, हर एक जो है पॉलिटिशियन वगैरह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से फौज में, आर्मी में, नेवी या एयरफोर्स में काम करें. लेकिन हिंदुस्तान में जो देश की सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग द नेशन इज बीन ज़ीरो. अगर उनके बेटे आए होते तो जो फौज में ज़बरदस्त खामियां हैं, आज एयरफोर्स में 10 स्क्वाड्रन की खामियां हैं, नेवी के 40% जहाज जो हैं 20 से 25 साल पुराने हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, 400 से ज़्यादा आपके हेलीकॉप्टर्स हैं जो 30 से 40 साल पुराने हैं,
ये नहीं होते। बिल्कुल सहगल साहब, ये बात आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या जो तमाम जो बिजनेस घराने हैं, बिजनेस घराने की भी अगर मैं बात करूं तो कहीं से भी ऐसे आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे कि जहां से दिखे कि वो उनकी जो फैमिली से जो बच्चे हैं वो आर्मी में जा रहे हों या डिफेंस में जा रहे हों। ये अपने पहले आप देखते थे जिस तरीके से कि जो रॉयल फैमिलीज होती थी वो आर्मी में होती थी, पुरानी जो रॉयल फैमिलीज हैं, लेकिन उसके बाद जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी जो स्टार्ट हुई है उसके बाद जो नेता हैं वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि पावर को एंजॉय करने में लग गए हैं, देश की सुरक्षा से दूर दूर तक नहीं लेना देना, उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगता जाता है जब सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होती है और गंभीरता से नहीं दिखती। जैसा आप कह रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी इन्फॉर्मेशन देती है और पॉलिटिशियंस उसको उस तरीके से समसुन लेते हैं, लेकिन अगर उनके अपने परिवार के लोग वहाँ पर हों तो शायद परिस्थितियाँ डिफरेंट हो सकती थी। उम्मीद हम यही करते हैं आज जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमारी इस बातचीत से इंस्पायर हों और देशभक्ति की जो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए वो जागृत हो और हम एक देश के लिए बेहतरीन नागरिक बने इसकी कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि देश आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े और तरक्की को हम साथ साथ एंजॉय करें, यूनाइटेड होकर एक दूसरे के साथ प्रेम से, भाईचारे से और आपसी के। नमस्कार, अभी के लिए इतना।